ए मॉर्निंग गैस सो टुडे वी गोना टॉक अबाउट इंडियन स्टॉक मार्केट्स एंड फॉरेक्स मार्केट्स तो मैं अभी जस्ट रिकॉर्ड चेक कर रहा था कुछ रिपोर्ट्स भी चेक कर रहा था कि इसे भी कहती है कि 95 परसेंट ऑफ ऑप्शन ट्रेडर्स जो कि इंडिया में ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं वो लॉसेस में ओनली पाँच या छः लोग ऐसे हैं लेस देन फाइव टू सिक्स लोग जो एक्चुअली प्रॉफिटेबल है मतलब नाइन्टी लोग यहाँ पर लॉस ही कर रहे हैं मैं तो कहूँगा नाइन्टी परसेंट से और भी में भी ज़्यादा लोग लॉस ही करते होंगे बिकॉज दिस इंडियन मार्केट्स आज बेसिकली रिग्ड मतलब मैं तो कहूंगा कि वो आपके अगेंस्ट में ही जैसे ये बना हुआ है सो so, अपन ये वाला वीडियो में डिस्कस करेंगे वाई बहुत मतलब वाई ए लॉट ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स इंडियन ऑप्शन ट्रेडर्स एक्चुअली मूविंग फ्रॉम इंडियन मार्केट्स टू द फॉरेक्स मार्केट्स लेटली आपने देखा होगा काफ़ी लोग आजकल इंडियन स्टॉक मार्केट का ट्रेड भी नहीं करते हाई मार्जिन में ट्रेड नहीं करते एंड एवरी वन इज मोस्टली मूविंग टू द फॉरेक्स मार्केट्स क्यों ये सारा डिस्कशन अपन ये वाला वीडियो में करेंगे सो so, बेसिकली अगर आप देखोगे इंडियन मार्केट्स लास्ट मतलब यही साल में इट फील्स लाइक मतलब समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग एंड से भी कहती है कि अभी जैसे अभी मतलब दो तीन पहले ही उन्होंने एक मतलब वीडियो डाला है प्रेस कॉन्फ्रेंस कि लोगों को ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहिए भाई अगर आप बोलते हो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहिए ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए देन वाई आर यू इवन इंट्रोड्यूसिंग एवरी एक्सपायरी हर दिन एक्सपायरी भाई हर दिन एक्सपायरी मतलब एवरी दे आर इन्वाइटिंग पीपल टू डू मोर एंड मोर गेमलिंग एनी आई जस्ट फील लाइक इंडियन मार्केट इज टोटली रिग्ड एंड इट्स मोर लाइक ए स्कैम आई वुड से क्योंकि आप मतलब आप एक ऐसे मार्केट में ट्रेड

जो कि मतलब आप एक ऐसा गेम खेल रहे हो जिसमें रूल्स आपके अगेंस्ट में आप एंट्री लेते हैं आपके अगेंस्ट में एंड यहाँ मोस्ट ऑफ द लोग ऑप्शन बाइंग ही करते हैं बिकॉज ऑप्शन बाइंग इज समथिंग विच इज़ लाइक वेरी ल्यूक्रेटिव क्योंकि लोगों को लगता है कि चलो कम पैसा हमें अपन स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन सेलिंग करने तो बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए उतना पैसा लोगों के पास अकाउंट में रहता नहीं है तो वो क्या करते हैं कि ऑप्शन बाइंग में या किसी सीधा टेस्ट करते हैं एंड ऑप्शन बाइंग में आप एंट्री लेने के बाद इमीडिएटली द गेम इज अगेंस्ट यू क्योंकि टाइम डिके का फैक्टर रहता है विच इज़ द मोस्ट डेडलीस्ट थिंग इन ऑप्शन बाइंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट आप जहां भी एंट्री लो इवन इफ योर एनालिसिस प्रॉफिट अगर आप अगर लास्ट थर्सडे का डेटा लेके जाओगे एक्सपायरी में मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है बट सी का प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है मार्केट नीचे जा रहा है पी का प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है सो इट वॉज वेरी लाइक मतलब कुछ तो एक स्पूकी था कि भाई मार्केट नीचे जा रहा तो पी का प्रीमियम तो बढ़ना चाहिए मार्केट अगर ऊपर जा रहा तो सी का प्रीमियम तो बढ़ना चाहिए मेरे पास तो लाइव रिपोर्ट भी है सो इट वॉज समथिंग लाइक वेरी रॉन्ग की ऐसे कैसे हो रहे हैं मतलब ऐसे कैसे मार्केट को भी मैनिपुलेट वो कर सकते हैं मतलब मार्केट ऊपर जान से सी का प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है मार्केट नीचे जान से पी का प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है एंड उसके बाद डायरेक्ट सिंस इट वॉज एक्सपायरी वो लास्ट में जीरो हो रहा है सो समथिंग विच इज़ वेरी रॉन्ग एंड इट्स रिंग अगेंस्ट यू इज ऑप्शन बाइंग ऑप्शन बाइंग एक ऐसा गेम है जिसमें मतलब रूल्स आप मतलब एंट्री होने से ही आपके अगेंस्ट वहीं चालू हो जाते हैं उसके बाद जैसे माइंड से डिसिप्लिन एंड वो तो नाइन्टी नाइन परसेंट लोग फेल ही कर जाएँगे वहाँ पे एंड दिस इज द रीजन वाई मोस्ट ऑफ द पीपल आर एक्चुअली लूजिंग ए लॉट ऑफ मनी इन इंडियन मा स्टॉक मार्केट्स एंड दर स्लोली मूविंग ऑल द वे टू द फॉर मार्केट इंडियन मार्केट्स में देखो स्टॉप लॉस हंटिंग ऑलमोस्ट एवरी डे होता है एवरी डे स्टॉप लॉस हंट आप जहां भी एंट्री लोगे आपका स्टॉप लॉस आगे हंट हो जाएगा बट एट द सेम टाइम इन द फॉरेक्स मार्केट्स इज टोटली डिफरेंट फॉरेक्स मार्केट्स में स्टॉप लॉस हंटिंग करना इज ऑलमोस्ट इंपॉसिबल क्योंकि फॉरेक्स मार्केट इतना बड़ा है इतना बड़ा है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का मार्केट है तो वहां पर ऐसे नहीं कि कोई एक अमीर आदमी जाके एक कैंडल बना देगा या फिर मार्केट को मैनिकुलेट कर देगा या फिर आपका स्टॉप लॉस हंट कर देगा एंड द बेस्ट थिंग इज इंडियन मार्केट तो नौ बजे शुरू होकर साढ़े तीन खत्म हो जाता है वेल फॉरेक्स मार्केट स्टेज फॉर होल डे मतलब पूरा दिन तक आपको मिल जाएगा ट्रेड करने के लिए इफ यू आर रियली गुड एट ट्रेडिंग इफ यू आर रियली गुड एट योर एनालिसिस एंट्री रूल्स देन इट्स एक्चुअली वेरी इजी टू मेक मनी विद द फॉरेक्स मार्केट्स क्योंकि आपको बहुत सारा एवेन्यूज मिल जाता है ट्रेड करने के लिए एंड द बेस्ट थिंग इज इतने सारे करेंसी पेयर से फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडियन स्टॉक मन में ट्रेड कर रहे हो आपके पास या तो अगर आप इंडेक्स में ऑप्शन तो ट्रेडिंग करना चाहते हो इंडेक्स में तो आपके पास निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी ऐसे है जिसमें ऑनली बैंक निफ्टी निफ्टी को अपन पकड़ सकते हैं ये दोनों में इतना मैनिपुलेशन होता है इतना मैनिपुलेशन होता है एंड आई थिंक 2023 इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मैनिपुलेशन मतलब ये साल तो पूरा वैसे ही चले गया कि अपन खाली मैनिपुलेशन ही देख रहे हैं स्टॉप लॉस हंटिंग ही देख रहे हैं तो आपको अगर आपको एक ही दो इंडेक्स है तो कोई भी अमीर आदमी आके जिसके पास दस करोड़ है आके वो आराम से मैनिपुलेट कर सकता है अपने हिसाब से चला सकता है आजकल तो और भी एक नया वाला स्कैम चालू हुआ है कि अडाप्टर बंद कर देंगे बड़े लोगों का पोजिशन कटेगा उसके रिटेलर्स का लॉस हो जाएगा ए लॉट ऑफ स्कैम एंड फ्रॉड इज गोइंग ऑन ऑलरेडी इन द इंडियन मार्केट्स बट फॉरेक्स में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि फॉरेक्स में इतने सारे पेयर से कौन किसको मैनिपुलेट करेगा कितना पैसा लगा सोचो कितने एक बंदे को कितना पैसा लगाना पड़ेगा इवन इफ ही वांट्स टू मैनिपुलेट एंड द बेस्ट थिंग व्हाट आई लाइक अबाउट द फॉरेक्स मार्केट इज देखो इतने सारे करेंसी पेयर फॉर एग्जांपल इंडियन मार्केट में अगर आप सुबह सुबह बैठ रहे हो ट्रेड करने के लिए अगर आपको एंट्री एक नहीं मिलती है उसके बाद आपको फोमो हो जाता है अरे मेरा एंट्री मिस हो गया चलो एक मैं एंट्री ले लेता हूँ क्योंकि आपका सेटअप इवन इफ योर सेटअप इज नॉट फॉर्मिंग यू आर स्टिल गेटिंग इन सम न्यू एंट्री एंड फेसिंग द लॉसिज फॉरेक्स मार्केट में बहुत सारा करेंसी पेयर से पकड़ लो आप यूरो यूएसडी में ट्रेड करने जा रहे हो बट आपका टअप वहां पे फॉर्म नहीं हो रहा है आप क्या करोगे उसको चेंज करके और एक कर सकते हो यूरो जेपीआई में जा सकते हो और फिर और कोई एक करेंसी बन जा सकते क्योंकि इतने सारे करेंसी पैसे कहीं ना कहीं तो आपका सेटअप बैठ रहा होगा जहां भी सेटअप बैठ रहा हो वहां पर आप ट्रेड लोगे एंड द बेस्ट थिंग इज वहां पे कोई भी टाइम डिके वाला फैक्टर है ही नहीं फॉरेक्स में कुछ भी टाइम डिके वाला फैक्टर नहीं है इट एब्सोल्युटली वर्स लाइक फ्यूचर सो आप जहां भी एंट्री लोगे उसके बाद या तो आपका स्टॉप लॉस या फिर टारगेट आपके एनालिस्ट के हिसाब से चलेगा बैंक निफ्टी निफ्टी इंडियन मार्केट्स में क्या होता है आप अगर कहीं भी एक एंट्री लेते हो इवन इफ द मार्केट इज मूविंग इन योर डिरेक्शन अगर दो तीन कैंडल वो रह गया होल्ड कर गया आपका टाइम डिके का फैक्टर में ऑलरेडी आधा लॉस हो जाएगा उसके बाद और भी अगर होल्ड किया पूरा लॉस हो जाएगा ऐसे बहुत बार होता है इवन इफ यू आर गोइंग टू द टारगेट्स यू आर स्टिल इन नेगेटिव फिगर्स ओनली इन दी एन इंडियन मार्केट बट फॉरेक्स में ऐसा कुछ नहीं टाइम डीके वाला फैक्टर है, को है कि, तो for कि तो मार्केट तो तो थोड़ा भी होल्ड किया मतलब टाइम डीके फैक्टर की वजह से आपको लॉस ही होगा एंड फॉरेक्स में तो और भी एक मस्त वाला चीज है इवन इफ यूर समन इज नॉट वेरी गुड एट फॉरेक्स ट्रेडिंग या फिर आप नए नए हो आपको आता नहीं है कैसे एंट्री एग्जिट करते हैं या फिर आपके पास कोई स्ट्रेटेज नहीं है, फिर entry, exit, rules, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता नाइस लाइक वेर यू कैन एक्चुअली एंड डिप्लॉय मनी एंड वो जो भी ट्रेड लेंगे आपके अकाउंट में डिटली ट्रेड हो करेंगे तो आपके अकाउंट में आपका प्रॉफिट होगा उनका लॉस होगा तो आपका भी लॉस होगा दिस इज बेसिकली डन यूजिंग ए प्लेटफॉर्म एक्सएम तो कोई टेंशन नहीं है एक्सएम में कॉपी ट्रेडिंग आराम से कर सकते हो फ्री का अकाउंट है नीचे में लिंक डाल देता हूं डिरेक्ट जाकर अकाउंट खोलो वहां पे जाके आप सीधा जाके कॉपी ट्रेडिंग वाला पेज जाके वहां पे आपको दिखा दूंगा कैसे जाके करना है वहां जाके आप कोई भी एक्सपर्ट ट्रेडर्स का जाके देख सकते हो उनका परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो उनका रिटर्न चेक कर सकते हो रिस्क रिवॉर्ड चेक कर सकते हो उनका हिस्ट्री ऑफ ट्रेड्स देख सकते हो हिस्ट्री ऑफ उनका कैसे क्या क्या गया है प्रॉफिट एंड लॉस वो सब कुछ देख के उसके बाद आप चूज करके किसी का भी कोई भी अगर आपको ट्रेडर अच्छा लगता है आप डायरेक्टली आप उसका ट्रेड्स को डायरेक्टली कॉपी भी कर सकते हो एट ईज सो so, कन्फ्यूज मत हो मैं आपको पूरा डिटेल से बता दूंगा एक्जैक्टली ये कैसे होता है सो वेल डोंट वरी एक्सएम है तो भाई कोई टेंशन की बात नहीं है सो so, दोस्तों एक्सएम ने इंट्रोड्यूस किया एक्सीलेंट फीचर विज नॉलेज कॉपी ट्रेडिंग एंड कॉपी ट्रेडिंग उनके लिए है जिन्हें मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है या जो ट्रेडिंग के लिए उतना टाइम नहीं दे पा रहे या जो लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं विदाउट एनी स्ट्रेस तो कॉपी ट्रेडिंग एक ऐसा टूल है जो सिर्फ बिगिनर्स को नहीं हेल्प करेगा बाकी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है इससे आपको सही टाइम पर एक्सपर्ट एडवाइसेस मिल जाएंगी ट्रेडिंग के लिए ज्यादा टाइम भी कमिट नहीं करना पड़ेगा जिसका मतलब यह है कि आपको ज्यादा रिसर्च एनालिसिस करने की कोई जरूरत नहीं आपको बस अपने फेवरेट ट्रेडिंग एक्सपर्ट को फॉलो करना है एंड उनके मूव्स को कॉपी करना है सिंपल एंड स्ट्रेट हां भले ही आप किसी एक्सपर्ट को फॉलो कर रहे हो लेकिन सब कंट्रोल आपके हाथ में ही रहेगा मेरा मतलब यह है कि आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है कब पॉज करना है कब एग्जिट करना है ये सब आप डिसाइड कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल कोई एक कॉपी ट्रेडिंग जो है आप किसी का कॉपी ट्रेडिंग वाला अकाउंट को आप किसको फॉलो कर रहे हो कॉपी कर रहे हो या फिर उनके अकाउंट से आप ट्रेड ले रहे हो ऑटोमेटिकली पकड़ लो वो कोई बड़ा लोग रहे हैं एंड आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है कि नहीं मैं इतना बड़ा रिस्क रिवार मेरे साथ मैच नहीं कर रहा है आप छोटे लॉस में एग्जिट कर सकते हो कहीं प्रॉफिट में एक्टिट कर सकते हो, वो सारा चीज आपके हाथ में इफ यू रियली वॉन्ट टू कीप इट फुल्ली ऑटोमेटेड या फिर आपको अपने मैनुअली आपको एंट्री एग्जिट भी करना है मतलब एग्जिट करना है ट्रेड से प्रॉफिट से या लॉस से वो भी आपके खुद के हाथ में वो भी आप आराम से कर सकते हो एंड अपना एक्सपर्ट भी खुद ही चूज करोगे आपको अभी मैं बता दूं कि एक्सपर्ट चूज चूज करने के लिए सब डिटेल्स आपको एक्सएम पर आराम से मिल जाएगी जैसे ये कितने और लोग एक्सपर्ट को फॉलो कर रहे हैं उनके पास स्ट्रैटेजी कैसी हैं एक्सपीरियंस कैसा है ये सब इंफॉर्मेशन आपको वहां मिल जाएगा जिससे आप एकदम सोच समझ कर खुद अपना एक्सपर्ट को चूज भी कर सकते हो और एक्सएम पर आपको नाइन एसेट क्लास एक पर्सनल अकाउंट मैनेजर लाइव सपोर्ट ऑन व्हाट्सएप लो स्प्रेड्स और ढेर सारे फीचर्स आराम से मिल जाए बेसिकली इन सिंपल लैंग्वेज एक्सएम हैज गॉट एवरीथिंग कवर्ड फॉर यू आपको जो जो चाहिए फॉरेक्स जानने के लिए कोई आप बिगिनर हो या फिर एक्सपीरियंसड हो आपको रिसोर्सेज चाहिए फ्री ट्यूटोरियल चाहिए फ्री पॉडकास्ट देखना है ट्यूटोरियल वीडियोस देखना है सब कुछ आपको एक्सएम का वेबसाइट में मिल जाएगा उनका वेबसाइट जाके चेक करो मैं नीचे में लिंक डाल देता हूँ एंड आपका सबसे बेस्ट है आपको लाइव सपोर्ट ऑन व्हाट्सएप में मिल जाता है उनका सपोर्ट भी जबरदस्त है एंड अब वहाँ पर आप आराम से इंडियन अकाउंट से पैसा ऐड भी कर सकते हो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी ऐड कर सकते हो बाइनेंस से भी ऐड कर सकते हो क्रिप्टो से भी ऐड कर सकते हो किसी से भी आराम से पैसा भी ऐड करके अपना ट्रेडिंग को शुरू कर सकते हो

लोग तो इंडियन स्टॉक मार्केट से मूव हो रहे हैं फॉरेक्स मार्केट्स की तरफ मैं तो सोच रहा था कि दुबई आने के बाद ही आई वुड बी मूविंग मोस्टली उधर फॉरेक्स मार्केट बट इंडियन मार्केट में अच्छा लगता है एंड द प्रॉब्लम इज़ कि फॉरेक्स मार्केट्स करने के लिए हमें थोड़ा ऑडियंस भी बनाना पड़ेगा तो हम मैं भी प्लान कर रहा हूँ धीरे 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 अपन क्या करेंगे मोस्ट ऑफ द ऑडियंस को क्या करें फॉरेक्स मार्केट पर शिफ्ट करके लेके जाएंगे उनके लिए पूरा डिटेल्स में बिगिनर्स ट्यूटोरियल्स हो गया बिगिनर कोर्सेस ये सारा बनाएंगे फॉरेक्स वालों के लिए सो एटलीस्ट पीपल वुड बी एबल टू नो कि एग्जैक्टली कैसे ट्रेड होता है क्या होता है सब कुछ आई एम गोइंग टू टीच फ्रॉम लाइक फ्रॉम जीरो सब कुछ सीखेंगे तो वी विल हैव ए गुड कम्युनिटी जैसे अपना इंडियन कम्युनिटी है तो उनके ट्रेड करने के लिए मज़ा आता है जैसे अपन वैसे सेम एक फॉरेस्ट के लिए भी कम्युनिटी को बनाएंगे सो एटलीस्ट वी विल हैवे लॉट ऑफ पीपल सो दैट वी कैन ट्रेड टुगेद वहाँ पे कोई भी नहीं है बोलने वाला कि आप ये नहीं कर सकते हो वो नहीं कर सकते हो फॉरेक्स्ट इज टू बिग फॉर ऑल दो शिट तो वहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन है आराम से अपन खुल के पूरा आराम से ट्रेडिंग करेंगे सो इट्स गोना बी फन सो धीरे 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 देखते हैं 2024 में मे बी आई विल ट्राई टू पोस्ट मोर एंड मोर अबाउट द फॉरेक्स एंट्रीज एग्जिट्स या फिर अपना ट्रेड्स के बारे में पोस्ट करेंगे अपना और एक ग्रुप ऑलरेडी है क्रिप्टो एंड फॉरेक्स के लिए मेरा और एक टेलीग्राम ग्रुप है फ्री वाला लिंक में नीचे डाल देता हूँ यू कैन जस्ट एंड ज्वाइन दैट एज वेल वहाँ पे अपन सारा क्रिप्टो फॉरेक्स वहाँ पे अपन वहाँ पे ट्रेड पोस्ट करें इंडियन स्टॉक मार्केट का जो फ्री ग्रुप है वो अलग है एंड अपना क्रिप्टो एंड फॉरेक्स का पूरा अलग है उसका लिंक में नीचे डाल देता हूँ Hopefully, I have got to learn something new today. I will see you guys on the new vlog.